यूपी के पीलीभीत जनपद में दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जो कि डूडा की परियोजना अधिकारी पीलीभीत की जया सिंह का बताया जा रहा है। इसमें वो कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि इन्वर्टर का क्या हुआ, कई दिन से बहाना बना रहे हो, फिर मत कहना कि मैडम क्या कर दिया। राजन श्रीवास्तव जो SBNG रेड संस्था लखनऊ के जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनके वेतन का विवाद चल रहा है। उन्होंने DM से लिखित में शिकायत भी की है। आरोप है कि वेतन के नाम पर उसने रिश्वत मांगी है, कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया। जब वो परियोजना अधिकारी के पास जाते हैं तो वो रिश्वत की मांग करती हैं। इसी बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल के बाद नई परियोजना अधिकारी की फजीहत हो रही है। फिलहाल इस वायरल वीडियो का चैनल पुष्टि नहीं करता। जब PO मैडम जया सिंह जो आई हैं, हमारी नई PO आते ही उनने मुझसे अनावश्यक चीज़ों की डिमांड करने लगी, मुझसे बैटरी इन्वर्टर मांगा, मुझसे झंडे के लिए 9,000 रुपये मांगा। और जब से आई हैं मुझसे उनका बिहेवियर अलग ही है, मुझसे हमेशा बदतमीजी से बात करना, प्रताड़ित करना, जलील करना, सबके सामने मुझे छोटे अधिकारियों के सामने मुझे जलील करना, मुझे बहुत दुखी करा। अनावश्यक चीज़ों की आए दिन डिमांड करती रही मुझसे। जब मैंने उनको बताया कि 5 माह से मेरा वेतन नहीं मिला है, मैं ये सब चीज़ें देने में असमर्थ हूँ, तो उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे वहाँ से टर्मिनेट करवा दिया। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा से विधायक सैदा खातून अचानक से अपने क्षेत्र के विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंची। स्कूल प्रबंधक और शिक्षकों में हड़कंप मच गया। सपा विधायक का सैदा खातून डुमरियागंज BRC पहुंची, जहां पर उन्होंने BRC सहित प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के रहन सहन, खान पीन की गहनता से जाँच की और क्लासरूम में पहुंचकर बच्चों की शिक्षा के बारे में जाना। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ कमियां मिली हैं, इसको लेकर संबंधित को फटकार भी लगाई गई है और उच्च अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि समस्या का जल्द जल्द निस्तारण कराया जाए। हाँ मैडम, आज आपने BRC पे जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा का जो है निरीक्षण किया है, क्या कमियां पाई गई हैं और क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं उच्च अधिकारियों को? हमने देखा कल जैसे जन्माष्टमी है, इसलिए प्राइमरी स्कूल में बच्चे काफी थे। हमने देखा जो खाना उनको मिला था, थोड़ा सा क्वालिटी और अच्छी हो जाती तो बच्चों को और अच्छा खाना मिलता। लेकिन ये भी देखा जाए कि सरकार से कितने पैसे मिलते हैं, उस हिसाब से खाना भी बन रहा है। और कस्तूरबा गांधी में मैंने देखा कि बच्चियां बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन वहाँ की छत है। अमेठी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिव्यांग लड़की को बंधक बनाकर और मारपीट कर घर में लाखों की लूट की सुबह होने पर परिजनों को जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कुछ दिन पहले इसी गांव में कई घरों में लाखों की चोरी हुई थी। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में रोष है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के टीकरी गाँव का एक पूरा मामला है। पीलीभीत में पुलिस को अधिवक्ता पर मारपीट करने के मामले में कार्रवाई करनी महंगी पड़ गई है। अधिवक्ता पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। सूचना पर SP सहित कई थानों की पुलिस फोर्स ने थाने में पहुंचकर अधिवक्ताओं के हंगामे को शांत कराते हुए जाँच कर सही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। घटना बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र की है। रॉबर्ट्सगंज के सवर्ण जयंती चौक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ट्रेनों के सफर में 1 साल के बच्चे का पूल टिकट लेने, बेरोजगारी, महंगाई और खाद्य पदार्थों पर GST लेने के खिलाफ ठेले पर खाद्य सामग्री सिलेंडर रखकर बैंड बाजों के साथ अनोखा प्रदर्शन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए जनता को राहत देने की मांग की। सपा जिला महासचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोला गया। फरुखाबाद में नाबालिग का चौकी के अंदर झाड़ू लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। चौकी इंचार्ज आनंद शर्मा बाल श्रम के नियमों को ताक पर रखकर नाबालिग से झाड़ू लगवा रहे हैं। थाना कमालगंज क्षेत्र के खुदागंज चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे बिहारीगढ़ स्थित बुग्गा वाला चौक पर सहारनपुर की ओर से आ रही कार के मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा फतेहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेज दिया गया है।
श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में एक बालक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। एक शिक्षक पर पिटाई का आरोप लगाते हुए परिजनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक अनुपम पाठक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फरुखाबाद शमशाबाद बाढ़ से गिरी झोपड़ी में फांसी पर अटकता किशोरी का शव मिल गया। छोटे भाई राहुल ने दो युवकों पर झोपड़ी के पास से भागते हुए देखा। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर कायमगंज क्षेत्राधिकारी सोहराब आलम और फोरेंसिक टीम थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एक लड़की का शव दुपट्टे से झोपड़ी में लटका हुआ पाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। लड़की के चाचा की तरफ से दो व्यक्तियों के विरुद्ध मारकर लटका देने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई गई है, जो धारा के अंतर्गत दर्ज कर ली गई है। श्रावस्ती में जन्माष्टमी पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट है। भारत नेपाल सीमा का पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी कर रही है। अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीम तैनात है। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की, जहां पर ईश्वर से बढ़कर माने जाने वाले शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई। महज एक छोटी बात को लेकर गुरुजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और गुरुजी कक्षा 3 के मासूम के छात्र की पिटाई जूते से करते हुए नजर आए, जिसकी शिकायत छात्र के परिजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी से की है। वहीं BSA जांच कर कार्रवाई की बात कह रहा है। भारतीय रेलवे को लेकर इस समय सोशल मीडिया में खूब खबरें उतारी जा रही हैं। सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि अब रेलवे 1 साल के बच्चे का भी टिकट लेगी, जबकि रेलवे ने अभी तक 5 साल तक के बच्चों के टिकट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। जो भी खबरें आ रही हैं वो भारत सरकार और रेलवे के लिए दुष्प्रचार का काम कर रही है। आगरा रेल डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि हमें खुद नहीं पता कि ऐसा कोई मामला है। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस तरह का अभी तक किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। सोशल मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो एकदम झूठ और भ्रामक है। रेलवे से अपील करता है कि ऐसी खबरों को आगे बढ़ाने का काम ना करें। भ्रामक खबर है कि 1 साल के बच्चे की टिकट लगी, क्या है मामला? देखिए, सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की खबर फैल रही है तो मैं रेलवे प्रशासन की तरफ से इनका खंडन करते हुए बताना चाहूंगी कि जैसे कि पहले से रेलवे के नियम है, यदि 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसका कोई टिकट नहीं लगता है। अगर उस बच्चे के लिए आपको बर्थ की आवश्यकता है तो स्वैच्छिक आधार पर आप उसके लिए बर्थ बुक करने के लिए टिकट ले सकते हैं और उसमें फुल किराया लगता है। पर 5 साल से छोटे बच्चों का रेलवे में कोई टिकट नहीं है। 5 से 12 साल की उम्र तक आधा टिकट है और 12 साल से बड़े बच्चों का ही टिकट लगता है। मुरादाबाद के यूट्यूबर द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत थाना पगबाड़ा में मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। एक कोई यूट्यूब चैनल है राउंड टू हेल, उसके द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था जो कल संज्ञान में आया हम लोगों के बीच, और उसमें ये बताया जा रहा था कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों के प्रति उसमें टिप्पणी है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उस संबंध में एक अभियोग थाना पागवाड़ा पर पंजीकृत किया गया है पुलिस की तरफ से, और उस जो चैनल है यूट्यूब उसको चलाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम वसीम है, उसको हम लोगों ने भी पूछताछ के लिए बुलाया है उसे जानकारी, और साथ ही उस जो पब्लिक डोमेन।
पिंक विलेज गांव हसूड़ी औसनपुर ने जिले का खूब नाम रोशन किया। ग्राम प्रधान की कड़ी मेहनत से इस गांव को एक नए पटल पर ले जाकर खड़ा करने का काम किया प्रदेश का। ये एक ऐसा गांव था जहां पर हर सुविधा मौजूद थी, जिसको लेकर इसे 6 पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। हर तरफ वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे, साउंड सिस्टम, इन सारी चीज़ों से लैस ये पिंक विलेज हसूड़ी औसनपुर गाँव लोगों के लिए नज़ीर बन गया है। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। कुछ अधिकारियों को बगैर सूचना और बगैर थाना पुलिस को लेकर जाने वाली खनन टीम पर संभल में हमला हुआ है। खनन महकमा समेत पूरा जिला प्रशासन करीब 12 घंटे तक घटना को छुपाए रहा। जैसे तैसे खनन इंस्पेक्टर कैमरे पर आए और पूरे मामले को उजागर किया। वहीं इस मामले में 14 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौवंश को लेकर गंभीर हैं और लगातार अफसरों को हिदायत दे रहे हैं कि कोई भी गौवंश खुले में नहीं घूमे। वहीं सीएम योगी के आदेश को संभल जिले के डीएम ने गंभीरता से लेते हुए पालन शुरू कर दिया है। अब सब कुछ ठीक रहा तो जिले को जल्द ही छुट्टे गौवंशों से निजात मिल सकती है, जिसके लिए डीएम ने बड़ी पहल करते हुए जिले में जल्द ही वृद्ध गौशाला बनाने की घोषणा की है, जिसमें 1,000 से 1,500 तक गौवंशों को संरक्षित करने की जिला प्रशासन की योजना है। देखिए, जो हमारा पशु गणना के अनुसार जो छुट्टा जानवरों की संख्या थी, उसके संबंध में अभी तक जनपद में जो गौशालाओं की कैपेसिटी थी पर्याप्त नहीं थी, जिसके कारण हम लोग शॉर्टफॉल पर चल रहे थे। लेकिन जून में हमने कुछ नई गौशालाएं जून और जुलाई में खोली और उन गौशालाओं से हमारा जो टारगेट है वो तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी छुट्टा जानवर जो हैं सड़क पर दिख रहे हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने जितने भी किसान हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि वो नए जानवरों को ना छोड़ें, और उसके अतिरिक्त हम एक बृहद गौशाला, अति बृहद गौशाला की एक नई योजना पशुपालन विभाग की आई है, जिसमें लगभग 1,000 पशुओं को संरक्षित करने की कैपेसिटी होती है। 25 एकड़ भूमि उसके लिए चिन्हित की गई है। इसमें 3-4 भूमियां चिन्हित हो गई हैं, जो भी सबसे इसमें उपयुक्त भूमि होगी इसका शीघ्र हम लोग एक प्रस्ताव शासन में भेजेंगे और ये अति बृहद गौशाला का निर्माण इसमें किया जाएगा, लगभग 1 से 1,500 और जो और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।